आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका अज़ीज़ सलाम पर। बुलेटिन का आगाज में सीधे रुख करेंगे 18 जनपद का, जहां जेजेपी के लेजिस्लेचर की मीटिंग के बाद दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं की जो भी लड़ने का काम करेगा प्राथमिक तौर पर। दुष्यंत, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ क्लियर आंसर फ्रॉम यू वेदर यू आर गोना फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी और यू गोना फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस? वी विल टॉक बिकॉज़ टिल नाउ we have not spoken to anybody on this issue because the national executive was not clear on the agenda, but now we have been authorized, we will talk to the people concerned and let's see, hopefully in few hours or few days you will have a positive message. Dushyant ji, aapne BJP ke khilaf chunav lada aur agar wo common minimum program par sarkar banane ke liye taiyar ho jate to kya BJP ke sath jayenge jinke khilaf aapne chunav lada, janta ke sath dhoka hoga? Aapne ye sawal pucha ki humne BJP ke khilaf chunav lada ji, to kya humne Congress ke sath chunav lada? Nahi, Haryana ke hit ke ye aapke voteron ka kehna hai. Aaj chahe wo Congress ho chahe BJP, agar hamare sahyog se koi government form karta hai या गवर्नमेंट में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती, मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने त्याग करने का काम किया है। हम त्याग कर कर भी अगर युवा को 75% हिस्सेदारी दिला पाए, अगर त्याग कर कर भी वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, अपलांग पेंशन में बढ़ोतरी करवा पाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी साथी को इस चीज़ से इनकार हो। पर हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम भागीदारी भी रखेंगे और साथ में हमारे जो ये मेन कंसर्न्ड एजेंडा जिसको लेकर हम चुनावी मैदान में थे, इन विषयों को लोग जननायक जनता पार्टी के ना तो हिस्सा मिस्टर कांडा है, मुझे बीजेपी का उनका सहयोग होने पे टिप्पणी करने का कोई चिंता नहीं बनता। सर, बीजेपी अच्छी बात है, मैं बधाई दूंगा कि अगर इस तरीके से उनके पास नंबर्स है तो उनको शुभकामनाएं। साथ में सरकार बनाने का मतलब क्या, कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? दुष्यंत जी, हमारे सारे साथियों ने यही निर्णय लिया है कि प्रदेश के हित के अंदर जो हमने लड़ाई जिन विषयों पर लड़ी, उसमें अगर कोई हमारा सहयोगी बनेगा और हमें सम्मानजनक सम्मान देकर साथ लेकर आगे बढ़ेगा तो हम बिल्कुल उसमें। आज भी चाबी है, बट आप वेट कर रहे हैं आज के अंदर भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो चाबी जेजेपी की साथ नहीं, दुष्यंत जी सरकार साथ में बनाएंगे मतलब कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? चाबी की जरूरत नहीं है, नंबर लॉक से सरकार जो है वो विधानसभा का ताला खुल नहीं हो सकता। नहीं दुष्यंत जी, साथ में सरकार बनाएंगे मतलब कोलिशन गवर्नमेंट या आउटसाइड सपोर्ट? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं जननायक जनता पार्टी के विषय पर टिप्पणी कर सकता हूँ। वो उनके विधायक दल का निर्णय होगा कि ना कि मेरा निर्णय होगा। सर, आप बाहर से सपोर्ट करेंगे या शामिल होने की बात? अगर रहेंगे तो हिस्सेदारी में रहेंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए दोनों अछूते नहीं। सर, एक सवाल, अगर आप समर्थन देते हैं तो सरकार में साझेदारी लेकर या साझेदारी? तो जेजेपी के सर दुष्यंत चौटाला ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी हम जल्द आपको बता देंगे कि हमें किसके साथ जाना है और अगर कोई कुर्बानी देने से युवाओं को, नौजवानों को बेहतरी मिलती है अगर हरियाणा की हुकूमत में इस तरह से हिस्सेदारी डालने से, तो वो इससे चूकेंगे नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये इंतखाब लड़ा था, तो उन्होंने ये भी कहा तो क्या कांग्रेस के साथ उन्होंने इंतखाब लड़ा? उन्हें लगा कि उनके किसी भी फैसले से लोगों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो इलाके की, सूबे की, रियासत की भलाई के लिए, नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला करने वाले हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी अभी की है जेजेपी सदर दुष्यंत चौटाला ने। आपको बता दें कि 18 जनपद पर पार्टी की लेजिस्लेचर की मीटिंग के बाद
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दुष्यंत चौटाला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब भी ये साफ नहीं किया कि आखिर वो हुकूमत साजी के लिए किसके साथ जाएंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ। उन्होंने भी कहा कि एक जैसे आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ ही जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी तमाम बातें रखेंगे आगे और अगर उनके किसी फैसले से इलाके के रियासत के नौजवानों को फायदा मिलता है, वो नौजवानों को नुमाइंदगी दिला पाते हैं अगर इस तरह से, तो उन्हें नहीं लगता कि उनके किसी भी साथी को इससे कोई दिक्कत होगी। हरियाणा में सरकार बनाएंगे ये भी साथ ही साथ कहा दुष्यंत चौटाला ने। हालांकि किसके साथ सरकार बनाएंगे ये उन्होंने साफ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो हरियाणा में सरकार बनाएंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। कल 11 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी लेजिस्लेचर की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाएगा। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल गवर्नर से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी के पास 7 आजाद एमएलए की हिमायत है, 5 अराकीन असेंबली सोमवीर सांगवान, रणधीर सिंह गोलन, धर्मपाल गोंदर, बलराज कुंडू और नयनपाल रावत ने बीजेपी को तहरीरी हिमायत दे दी है। वहीं आजाद एमएलए रणजीत चौटाला, एचएलपी के गोपाल कांडा ने भी बीजेपी को हिमायत देने का फैसला किया है। आज दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में आजाद अरकान असेंबली से मुलाकात की और कहा कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। कल 11 बजे चंडीगढ़ में विधानमंडल दल की बैठक होगी, विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। शपथ ग्रहण कब का रहेगा सर? अभी नेता के चयन पर, कल जब नेता का चयन हो जाएगा तब राज्यपाल महोदय को सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करें। आपने विधायकों से साइन करवा लिए, वो कॉपियां दिखाकर गए, कितने विधायकों से साइन हो गए? देखिए, विधायकों ने, जो निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने अपना बिना शर्त समर्थन हमको देने को कहा है। कितने सर नंबर? और अब इस पर सारी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में पार्टी करेगी। बहुत जल्दी आपको बताएंगे, कांडा भी शामिल हो गए आपके, सब बातें आपको बताएंगे, कांडा हम सरकार बना रहे हैं, बहुत जल्दी बताएंगे आपको, कांडा बताएं, कोई काम नहीं करेंगे, जो काम करेंगे आपको बता के करेंगे। सर गोपाल कांडा को समर्थन किया है, उसको लेकर आपको बता के करेंगे। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी के 5 बागी अराकीन असेंबली ने घर वापसी का फैसला किया। फरीदाबाद के पृथला सीट से जीत कराए आजाद एमएलए नयनपाल रावत ने बगैर शर्त बीजेपी को हिमायत देने का ऐलान किया। हरियाणा में रानिया असेंबली सीट से एमएलए और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत चौटाला ने भी बीजेपी को हिमायत देने का फैसला किया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि उन्होंने बगैर शर्त बीजेपी को हिमायत दी है। INLD के अभय चौटाला ने भी बीजेपी को हिमायत देने का फैसला किया है। मेरे हलके में कांग्रेस को 8,000 वोट आए, मुझे 62,000 वोट है। कहाँ कांग्रेस का जनाधार है? आप देख रहे हैं कांग्रेस का जनाधार है, सब जगह साफ कर दिए। ये स्टेबल गवर्नमेंट होगा, निर्दलियों का सहयोग? बीजेपी की स्टेबल गवर्नमेंट। कितने निर्दलियों का सहयोग आपके अलावा? देखिए, मुझे ये पता नहीं, ये तो मीडिया को बता सकता है, मुझे मेरा पता है, मैं उन्हें समर्थन दे। कब तक शपथ ले रहे हैं आप लोग? कब तक? ये गवर्नर उनसे पूछिए, गवर्नर साहब से या मुख्यमंत्री साथ, मेरे साथ कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। और मैं बगैर सर समर्थन जो ना भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को दिया है। नहीं, लेकिन सभी निर्दलियों को मंत्री बनाया जा रहा है कैबिनेट में, ये मुझे नहीं पता कि वो क्या बनाएंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे। हाँ, मेरी जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, बात हुई? नहीं, माननीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई है। कोई बात नहीं, बस उन्होंने कहा तुम पार्टी के पुराने सिपाही हो और आप लोग भाजपा में ही जोड़ा। क्या आप लोग निर्दलीय ही समर्थन दे रहे हैं या बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं? नहीं, अभी निर्दलीय समर्थन दे रहे हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदर निशांत सिंह से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मीडिया में फैसला लिया जाएगा, सभी ओहदेदारान और अराकीन असेंबली की जानिब से कांग्रेस के साथ जाना है या बीजेपी की।
सुशांत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विधायक दल की मीटिंग है, दुष्यंत जी ने भी यही कहा कि सब पहले सबकी मन की बात जानी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये भी कहा कि कहीं ना कहीं विपक्ष में भी बैठा जा सकता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आज चुड़े हुए हमारे विधायक साथी सभी को बुलाया है, पार्टी नेतृत्व उनके साथ बैठ करके मीटिंग करेगा, विधायक दल का नेता चुनेगा, उसके बाद ये निर्णय करेंगे कि हमने आगामी कदम कौन सा उठाना है। रणजीत सिंह की बात करें, अगर गोपाल कांडा की बात करें, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में जा रहे हैं ऐसी सूचना मिली है, क्योंकि कल भी जो सिरसा के एमपी उनके साथ फोटो मिली थी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंडिपेंडेंट कहीं भी जा सकता है और पार्टियां प्रयास भी करती हैं, जिनको जरूरत होती है उनके बारे में तो वही बता सकेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि जेजेपी का आज जो मीटिंग है, नए चुने हुए हमारे विधायक उसमें बैठेंगे, उस मीटिंग में दुष्यंत जी साथ बैठेंगे। दोनों पार्टियों से ऑफर है, कांग्रेस की बात कीजिए, भाजपा की बात कीजिए। बिल्कुल। एक सर, एक चीज साफ कर दीजिए, कल कहा गया है कि 11 बजे के करीब अमित शाह से मीटिंग हुई है दुष्यंत चौटाला की, ये क्या वाकई में अभी, जो सही खबर है? अभी दुष्यंत जी की किसी से कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, इन्होंने साफ कर दिया कि दुष्यंत चौटाला की फिलहाल किसी से मीटिंग नहीं हुई है, ऑफर जो है वो दोनों की तरफ से है, ये कहा गया है इनकी तरफ से। हालांकि अब देखना होगा कि मीटिंग में जो है वो क्या तय किया जाता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि कहीं ना रणनीति जो है उसके बाद तैयार की जाएगी कि शायद किसी के साथ जाना है या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष में जो है उसकी भूमिका निभानी है। कैमरामैन अनुज के साथ बजन वर्मा, जी मीडिया, नई दिल्ली। इधर बीजेपी पर हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी सैलजा ने तीखा तंज कसा, साथ ही जीते आजाद उम्मीदवारों को कांग्रेस के साथ आकर सरकार बनाने का मुतालबा भी किया। दो रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं, जहां एक जानिब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को मुकम्मल अक्सरियत मिली है, वहीं हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर अभी भी तजबजुब की हालत बरकरार है। ऐसे में अमित शाह के साथ जेजेपी सदर दुष्यंत चौटाला की मुलाकात की खबर एक नए जोड़ तोड़ बना सकती है। जराए की माने तो आज महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों रियासतों में बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अश्विन रजा हमारे नुमाइंदे मौजूद है हमारे साथ, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इम्प्लीकेशंस हैं भारत की अर्थव्यवस्था और जनता के लिए। विधायक भी मुलाकात कर रहे हैं और जो सिचुएशन यहां से बनती नजर आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि अब कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, कैबिनेट का कौन हिस्सा होगा, मंत्री पद किसको मिलेगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो भी समीकरण हो सकते हैं, जो भी बातें हो सकती है विधायकों के जरिए, वो मिलकर रखी जा रही है। और उम्मीद ये लग रही है कि शायद आज यहां रुके मनोहर लाल खट्टर, और क्योंकि कल हरियाणा में मीटिंग है, बैठक है विधायक दल की, तो वहां पहुंचेंगे, लेकिन आज शाम तक इसी तरह मुलाकातों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने वाला है। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की अगर जहां तक बात है तो कांग्रेस अभी खामोश है। हुड्डा ने किसी तरह की बात उसके, क्योंकि कल जिस तरह से जो नतीजे आए उसके बाद सीटें आई उनके पक्ष में, तो सीधे तौर पर कोई पत्ते नहीं। की सियासत में जो जोड़ तोड़ चल रही है, जो दावपेच चल रहे हैं बीते रोज नतीजे जाने के बाद, उसी पर अपडेट दे रहे थे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा। आपको बता दें कि जेजेपी के 10 सराकीन असेंबली हैं, उन्हीं की हिमायत से और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत साजी की जाएगी हरियाणा में। किस तरफ से समर्थन पत्र उनको मिल गया है, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, उन्होंने इस बात को भी कहा कि बगैर किसी शर्त के निर्दलीय विधायकों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कई चीजें होती है। जाहिर सी बात है कि नेता जब कैमरे के सामने होता है तो वो अपने तरीके से बात रखता है। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल मंत्रिमंडल को लेकर जरूर आएगी, क्योंकि निर्दलीय जो विधायक आए हैं, जाहिर सी बात है वो ऐसे ही नहीं आएंगे, बल्कि उनको भी मंत्री पद चाहिए होगा। और कई जो विधायक है वो इस शर्त के साथ ही अंदरूनी तौर पर बातचीत भी कर रहे हैं कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और फिर बीजेपी के जो विधायक रहेंगे उनमें से किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, इन तमाम चीजों पर यकीनन चर्चाएं लगातार चलती रहेगी। उसी को लेकर समीकरण बनाने की कोशिश एक तरीके से दिल्ली में इस वक्त हो भी रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि शुरुआत में बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो अकेले ही शपथ लेंगे, उसके बाद दिवाली के बाद हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, तो वो किस तरह का होगा, उसमें किसको जगह मिलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर सलाह मशवरा अभी किया जा रहा है। अपडेट शुएब हमें दे रहे हैं लगातार, बहुत मुमकिन यही है, ज्यादा कयास आ रही हैं इसी बात की हैं कि बीजेपी हरियाणा में फिर से हुकूमत साजी करेगी। जेजेपी इसमें उनके साथ है, आजाद उम्मीदवार भी बीजेपी के साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला अलनाबाद से, जो
अराकी ने असेंबली बने हैं, उन्होंने भी बीजेपी का साथ देने की बात कही है। ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत चौटाला रानिया से एमएलए चुने गए, उन्होंने भी बिना शर्त बीजेपी को हिमायत देने की बात कही है। और इस बीच जेजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकरीबन इस बात के इशारे दे दिए हैं कि बहुत मुमकिन है कि जेजेपी हुकूमत साजी में बीजेपी का ही साथ देगी। ये इशारे अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुष्यंत चौटाला ने दिए हैं। तो बीते रोज से ही तमाम तरह की कयासाराइयां भी जारी हैं और लगातार ये कोशिशें जारी हैं खासतौर से बीजेपी की जानिब से कि हुकूमत साजी किस तरह से की जाए, किस तरह से पूरे जोड़ तोड़ को अंजाम दिया जाए कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की हुकूमत बने। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर हरियाणा कांग्रेस की सद कुमारी सैलजा ने तीखा तंज कसा। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांडा से हिमायत बीजेपी नहीं लेगी। आपको बता दें कि सिरसा से गोपाल कांडा अपनी पार्टी के वाहिद एमएलए चुने गए और बीजेपी ने अभी साफ कर दिया है कि गोपाल कांडा को हुकूमत साजी में बीजेपी हिस्सा नहीं बनाएगी। बीते रोज से ही लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी गोपाल कांडा को लेकर। गोपाल कांडा एक वक्त में कांग्रेस सरकार में रियासती वजीर दाखला के वक्त कई इल्जाम में मुकदमों से वाबस्ता थे, मुकदमे दर्ज किए गए थे उन पर। कांग्रेस ने उन्हें काबीना से बर्खास्त किया और उसके बाद अपनी पार्टी बनाकर इंतखाब लड़ते आए हैं गोपाल कांडा। सिरसा से अपनी सीट उन्होंने जीती है, लेकिन अब साफ कर दिया है बीजेपी ने कि गोपाल कांडा को बीजेपी अपना हिस्सा नहीं बनाएगी हुकूमत साजी में।